स्पीड पे चल रहे होते हैं ना, तो इतने सारे हमें बोर्ड दिखाई देते हैं कि ये इसका ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 5, ऑल इंडिया रैंक 6, ये हमने दिया है, ये हमने दिया है, हमने इतनी हाइप क्रिएट कर रखी है, सबको ऐसे लगने लगता है कि बस कोचिंग सेंटर जाएंगे तभी सिलेक्शन होगा। ये सच नहीं है। कोई भी कोचिंग सेंटर आपके सिलेक्शन की गारंटी नहीं ले सकता अनलेस अंटिल आप जब तक हार्ड वर्कर नहीं होते। अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा हार्ड वर्कर है जिसको जील है कि मुझे अपना सिलेक्शन कराना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, उसको चाहे तुम कॉर्नर पे बिठा दो, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। सेल्फ स्टडी से अच्छा टीचर आपके सिलेक्शन के लिए कोई नहीं हो सकता। आप घर पे बैठो, अपने आप को वक्त दो, दैट इज सो मच इम्पोर्टेंट। 3 घंटे का कम से कम सिटिंग होना चाहिए आपका। अपने घर पे एक अच्छा सा कोना ढूंढो जहाँ पे आप लोग परेशान ना हो, क्वाइट प्लेस होना चाहिए, टेबल ले लो, बैठ जाओ, अपना एक शेड्यूलिंग बनाओ, ठीक है, कि मुझे 3 घंटे मुझे मैथ्स पढ़ना है, 3 घंटे मुझे फिजिक्स पढ़ना है, 2 घंटे मुझे केमिस्ट्री पढ़ना है, इस तरह से, यानी 3 घंटे बायोलॉजी पढ़ना, अगर बायो वाले बच्चे हैं तो 3 घंटे मुझे फिजिक्स पढ़ना है, 2 घंटे मुझे केमिस्ट्री पढ़ना है। ऐसा शेड्यूलिंग बनाने के बाद सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, आप लोगों को क्या करना है, साथ साथ में ये जो टेस्ट सीरीज होती है, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, और ज्वाइन करके क्या करो, आप डेली टेस्ट दो, डेली टेस्ट का प्रैक्टिस करो। यहाँ पर सीन सिर्फ इतना ही है, जितना क्वेश्चन को सोल्व करोगे उतना ही ज्यादा आपको क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए क्या करो, बहुत सारी बुक्स हैं जिनको आप रेफर कर सकते हो, सिर्फ एक ही बुक को रेफर करो, एक ही ऑथर की अच्छी सी बुक ढूंढ लो, उसके बाद एक ही ऑथर की बुक को रेफर करो, बहुत सारी बुक इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ आप यूट्यूब पे, आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो तुरंत उसको देख लो, देखने के बाद आप क्या करो, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो बैठ के, दैट इज सो मच इम्पोर्टेंट। पूरा दिन अगर आप ये रूटीन रखते हो और क्वांटिटी पे ना ध्यान देके क्वालिटी पे ध्यान देते हो, तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता।